दोस्तों, इसको मैं हिला रहा था ना, नीचे बैठ सकती है। गाइज हम यहाँ आए थे बोर एरिया बराबर करने। ये ट्रैक्टर चला रहे हैं खेत वाले भाई साहब, हमारे ड्राइवर ऊपर बैठे हैं साइड में। वेलकम टू गाइज अनदर व्लॉग, कैसे कहते हैं भूल गए। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज आए थे दोस्तों हम बोर एरिया बराबर करने, लेकिन इस बोर एरिया का हमने मना भी किया था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमारे सेठ जी ने बोला, बड़े वाले ने, एक बार करे आओ आप और इनकी संतुष्टि करे आओ, खेत वालों की, क्योंकि खेत वालों की संतुष्टि नहीं हो पा रही थी कि ग्रेडर चल जाएगा, इसमें चल जाएगा। लेकिन ग्रेडर इसमें दोस्तों चलने का कोई भी वो नहीं, हालात नहीं है, क्योंकि ये वाटर लॉक एरिया है पूरा, ये खेत जो है ना, चोआ नहीं बोलते जैसे, तो वाटर लॉक एरिया है। अब उतर गए, हमारे ड्राइवर बैठेंगे। तो इसमें ग्रेडर दोस्तों अब गया है फंस, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब इसी तरह जेसीबी आके निकालेगी। अब जितना मैं इसको हिला के निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उतना ये नीचे फंसता जा रहा है। ये देखो नीचे ना कीचड़ आ गया पूरा, नीचे कीचड़ है। अभी जेसीबी आएगी या कुछ एक्सकवेटर वगैरह आएगी, इसको निकाल लेंगे पीछे को, ये अभी फंसाएगा पीछे। यानी ये खेत की मिट्टी उठवा के ना बहुत पछता रहा होगा भाई साहब, ये आदमी किसान है नहीं, नीचे से पानी निकल रहा है साले। देख लो गाइस कितना कितना ग्रेडर फंसा हुआ है। आ गई अपनी जेसीबी लेके आया, ये जियो ग्रेड, टोचन वचन तो है नहीं। और भाई मशीन कितनी दबती हुई आ रही है, वो वाला खेत इस खेत से ऊंचा है, कितनी दबती हुई आ रही मशीन, ऐसे ग्रेडर में दबता हुआ आया, ये खेत में क्या हाल होगा। देखिए इसके अगले टायर देखिए कितने बैठेंगे, देखिए कितनी बैठ रही है मशीन, देखिए यो भी पॉकेट गैल निकालनी पड़ेगी तुझे, यो भी पॉकेट गैल निकालेगा फिर। ताना नहीं मार रहे थे बेटा, ये मैं खुद ही ने बोल रहा था भी, मत भेजो मत भेजो मत भेजो ना, आगे आगे। अरे बड़े सेठ जी ने बोल दिया कि जा ले जा, फिर तो आना ही पड़ेगा, हाई कमान से ऑर्डर आ गया था, फिर तो आना पड़ा। बस और क्या आया ही है, बस यहाँ पे, यहाँ पे मैंने ब्लेड टेक का वहीं लोड लेके बैठ गया नीचे, पूरा वाटर लॉक एरिया है, चोआ है पूरा यहाँ पे। ये परना ऊपर रख दे अपना पहले है। चे देखो लगे हुए टोचन बनाने में, कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा मजा आ रहा। अच्छा मजा तुम्हारी शादी में नहीं आया? अच्छा चलो फिर लगे रहो, खींच के कहाँ ले जाएगा, बतेरी है। भाई ये टॉर्चन बनाने लग रहे हैं, और फिर इसमें पीछे जो हुक होता है इसमें बांध के खींचे हुए, इस पर जैसे भी से काफी बैठ चुके नीचे। ले आइएगा, लीजिएगा फिर। हेलो भाई, बन दिया है। बीच वाला मजा दो, कर ले।
जेसीबी फंस गई है। दोस्तों ज्ञानी उधर से ग्रेडर से घुमा लेगा, ऐसे बैक ले जाइए, ऐसे सीधा चढ़ा ला, ब्लेड अंदर को मोड़ ले थोड़ा सा, थोड़ा तेज स्पीड से लेके जाइए, तेज स्पीड से लेके जा थोड़ा। देखो दोस्तों कितना बैठ रहे हैं टायर, वो मशीन वापस की जमीन के लिए। जब भाई साहब नए टायर ना होते ना दोस्तों इसके, तो यहाँ पे मशीन रुक जाती है एक बार के लिए, पर निकल गई। ये रखते हैं जियो ग्रेड सी, निकाल लेगा ना दोस्तों यहाँ पे ब्लेड पे भी, ब्लेड से भी कोशिश कर लेता, पर यार ये पूरा खेत यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ही था, ब्लेड से जितना हिलाओ ना मशीन उतनी ज़्यादा उल्टी सीधी नीचे बैठती जाती है। एक जगह एक 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 ही जगह पे अगर गीला हो ना तो ब्लेड से निकालने का फ़ायदा रहता है कि हाँ ये भी यहाँ से यहाँ तक गीला है, यहाँ से पीछे सूखा है, पूरे में ऐसा है। देखो कितनी बैठती होगी मशीन, चले शादी होते ही होश खो बैठा हमारा तो बिना शादी के होश खो बैठे हैं वहाँ फिर फंस गई मशीन। टोचन रख ले क्या अपने पास, ये वाली तो अभी अब गाइस चल रहे हैं 68 जांच पे, वहाँ पे थोड़ा कुछ काम है वो करते हैं चल के। मजा आ रहा ऐसी गाइस अभी हम जा रहे हैं एक पूरे एरिया बराबर करने, दूसरा वाला काफी दूर है वहां से हमारे कमरे पे से। देखो इधर एरिया ही बहुत ज्यादा अलग है, डिफरेंट एरिया में आ गए आज हम। गाड़ी कैसे चढ़ रही है भाई, सर ग्रेटर रखना घूम पा रहे हैं यहाँ से। ये है दोस्तों अपना बोर एरिया, कौन सा रास्ता खराब हो रहा है। अभी दोस्तों रास्ते में ब्रेक मारा है पूरे पे, और ये डीजल टैंकर आ गया, डीजल डलवाना है, और इधर हो रही है दोस्तों लोडिंग। और ये वाला खेत बराबर करना है, ये वाला भी करना है, उसके उधर वाला भी करना है। तो ये खेत गाइस मैंने कर दिया बराबर, अभी भाई ऊपर चढ़ाऊँ, और वो खेत एक रह गया, वो खेत कर रहा है ज्ञानी में तेजी ग्रेड में, मिट्टी खींचनी है खींचता रहा थोड़ी, और ये मिट्टी की भाई थोड़ी वहाँ गई, थोड़ी इधर गई, और थोड़ी यहाँ से बीच में से उधर गई, थोड़ी इधर आई है, यहाँ पे ये छोड़ी मैंने ऐसे करके, ये पूरा खेत हो गया बराबर। वो वाला बचा है एक किला, ये शायद 2 किले होंगे या 1.5 होगा, हाँ किले मीन्स 1 एकड़। हाँ हो गया है, हाँ मार दे थोड़ा, इधर मार दे, उधर को मार दिया, बस सही है। तो गाइस बोर एरिया का काम निपट गया, अभी हम चल रहे हैं अपने डेस्टिनी की ओर, डेस्टिनी नहीं डेस्टिनेशन की ओर। सीट पे तो झाड़ दे थोड़ी यार, थोड़ी तो यार इज्जत दिया कर यार, और कोई तो इज्जत करता नहीं, तू ही कर ले कर थोड़ी मेरी यार, कोई इज्जत नहीं करता। गाड़ी निकल गई ना। अच्छा अच्छा ओके, मतलब तुम्हारी कोई कमी नहीं तुम्हारी तरफ से। कपड़ा ले ले एक, ऐसी सारी पैंट भी और मिट्टी रंग की होगी, मैं मिट्टी पे ही बैठा हूँ मैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा कमरे पे, यहाँ कहीं रस्ते में मिलेंगे। तो
मशीन दोस्तों कर दी मैंने खड़ी वहाँ पे दूसरी जगह डबल वाले रूम पे। अब यहाँ मैं फार्म पे लॉग बुक चेंज करने, लॉग बुक भर गई है। ये लॉग बुक जब भर जाती है तो चेंज करनी नहीं लेनी पड़ती है। फिर लाइट वेट में चला रखी, इधर की नहीं चली लाइट, इधर की चली। तो गाइस देखो अभी है खाना खाने का टाइम, इट्स डिनर टाइम बेबी। ये हमारे इधर नेताजी बैठे हैं और इनके साथ में मूछे भी खाएंगी खाना आज। ये देखो आज बनी है हमारी मसूर की दाल। अरे वो तो लेके आया यार, ज्ञानी माल लेके आया। कौन सा माल? देसी घी लेके आ बेटा। हाँ यार मिर्च फ्राई हो गई, प्याज आ गया। अरे वाह क्या ही कहने, खाने के तो रिकॉर्ड तोड़ रखे लौंडा। पानी आ गया ठंडा, कभी चल दो मौज आ गई। कटे डलवा लो भाई, खालो डलवा लो कह रहे हो, खालो खालो खालो। तो गाइस खाना चल रहा है बढ़िया, इसमें डालेंगे देसी घी और रोटी तोड़ के फिर इसमें खाया जाएगा। ओके रोटी तोड़ेंगे, राजस्थानी भोजन करेंगे। निकाल दिया आज कोल्ड ड्रिंक भी निकाल दी ऐसे ही, दाल का पानी वो गिरा दिया। ये मितान की कमी से निकली है दोनों चीज। तो ठीक है गाइस चल रहा भाइयों का खाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। दोस्तों ऐसे ही बीच में ब्लॉग बीच में रिव्यू आते रहेंगे, बीच में ब्लॉग बीच में रिव्यू आते रहेंगे, आपका मन लगा के रखेंगे। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।